सात दिनों के अंदर निकला आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा का दम। फिल्म फ्लॉप होने पर आमिर खान ने लिया बड़ा फैसला। आमिर का फैसला जान आप भी रह जाएंगे दंग। एक तरफ आमिर की फिल्म हुई फ्लॉप, तो वहीं अब आमिर के इस फैसले से आमिर को भुगतना पड़ेगा भारी नुकसान। नमस्कार, सनातन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। आमिर खान जब भी कोई फिल्म बनाते हैं तो जी जान से काम करते हैं। उसकी स्क्रिप्टिंग से लेकर डायरेक्शन और सॉन्ग्स तक हर पहलू पर काम किया जाता है। फिर उसके प्रमोशन की स्ट्रेटजी में भी आमिर खान का बड़ा योगदान रहता है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान पिछले कुछ समय से दर्शकों की नब्ज को पहचान पाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के फ्लॉप होने के बाद वो लाल सिंह चड्ढा के साथ आए, लेकिन वो दर्शकों की कसौटी पर खरे नहीं उतर सके। फिल्म को काफी समय लेकर बनाया गया। हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप के राइट्स खरीदने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। फिर फिल्म बनाने में खूब पसीना बहाया, लेकिन फिल्म एक हफ्ते में 48 करोड़ रुपए ही कमा पाई। यानी आमिर खान की ये एक बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हो गई है। हालांकि इसके बाद आमिर खान ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे आर्थिक तौर पर उन्हें और बड़ा नुकसान होने वाला है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा ने अब तक कितने रुपयों का बिजनेस किया है। बता दें कि अद्वैत चंद निर्देशित आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा ने गुरुवार को लगभग 11 करोड़ रुपए कमाए, शुक्रवार को 7 करोड़, शनिवार को 9 करोड़, रविवार को 10 करोड़ और 15 अगस्त यानी कि सोमवार को 8 से 9 करोड़ का बिजनेस किया। इस तरह फिल्म ने लगभग 47 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है। फिल्म में आमिर खान के अलावा करीना कपूर, मोना सिंह और नागा चैतन्य लीड रोल में हैं। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट में कहा गया है कि आमिर खान और उनकी एक्स वाइफ किरण राव के एक करीबी दोस्त ने बताया है कि आमिर खान फिल्म फ्लॉप होने से सदमे में हैं और उन्होंने फिल्म की असफलता की पूरी जिम्मेदारी ली है और डिस्ट्रीब्यूटर को हुए जबरदस्त नुकसान की भरपाई करने का भी फैसला किया है। यानी आमिर खान अब डिस्ट्रीब्यूटर्स के हुए नुकसान की भरपाई करेंगे और उन्हें उनके पैसे लौटाएंगे। जाहिर है ऐसा करने पर एक तरफ तो फिल्म के फ्लॉप होने का दुख और दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूटर्स के नुकसान की भरपाई आमिर खान को दोहरा झटका देने वाले हैं। तो दोस्तों, आमिर खान की इस फिल्म के फ्लॉप होने के पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? क्या सच में इस फिल्म पर बायकॉट का असर हुआ है या फिर वाकई में इस फिल्म में कोई दम नहीं था, इस वजह से ये फ्लॉप हो गई? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।